हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सीटी नीट यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी स्टूडेंट अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट ने बीएससी नर्सिंग के लिए ये फॉर्म अप्लाई किए थे और फिर उसके बाद इसका एंट्रेंस दिए। एंट्रेंस देने के बाद इसका रिजल्ट आ गया है, तो रिजल्ट आप कैसे निकालेंगे? रिजल्ट निकाल सकते हैं या फिर आप आंसर की निकाल सकते हैं, तो दोनों निकाल सकते हैं, अपना आंसर की भी देख सकते हैं। तो ये देखिए इसका वेबसाइट है, इसकी वेबसाइट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहाँ पर डायरेक्ट वहाँ से आप क्लिक करके आप इस लिंक इस मतलब पेज पे आप आ जाएंगे। देखिए इसी पेज पे आपको ये दिखेगा, ये बीएससी नर्सिंग कोर्स सीईटी 2021 पे आप क्लिक करेंगे। देखिए अभी इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब हुआ था, इसी मंथ में 5 दिसंबर को एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, और एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट कैन बी सीन ऑन वेबसाइट पे बोला गया था कि 7 से 10 दिन तक के अंदर, जब एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उससे 7 और 10 दिन तक लगेगा। तो आज कितना डेट है, 8 डेट है आपका, ये देखिए डेट 11 तारीख है, 5 को हुआ था, 7/5 12 ही होता, तो आज 11 ही है, 11 को आपका रिजल्ट आ गया। तो टाइम पे है रिजल्ट आपका, जो भी इन्होंने बोला था उसी टाइम पे ये रिजल्ट है। तो देखिए अगर आपको रिजल्ट डाउनलोड करना है तो इस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर रेड कलर का आपका दिख रहा है, तो इस पर आप क्लिक करिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तुरंत देखिए रोल नंबर है, यहाँ पे आप रोल नंबर डालेंगे। रोल नंबर डालने के बाद आप यहाँ सबमिट करेंगे, जैसे ही सबमिट करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये देखिए डाउनलोड आंसर की MP30 ये कोड दिया गया है, जो आपका कोड था वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। P2N4M ये डाउनलोड आंसर की, N0N2091 और आंसर की 01M3P, तो 4 सेट पेपर कोड बने थे, तो उसी हिसाब से अपना जो कोड है यहाँ से आप आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरा कितना स्कोर हो रहा है। तो आप आसानी से, ये बहुत अच्छा है, ये मतलब ये बहुत अच्छा किए हैं कि आप अपना आंसर की भी, अपना जो आप OMR सीट भरे थे, OMR सीट जो आप फिलअप किए थे क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो आप अच्छे से अपना ये भी देख सकते हैं कि मैंने कितना स्कोर किया है। स्कूटनी का कोई भरने का चांस नहीं है, क्योंकि आप आंसर की अच्छे से देख लेंगे, आप अपना स्कोर यहाँ से देख लेंगे, तो बेस्ट है। इसी तरीके से रिजल्ट भी आना चाहिए, हर एक यूनिवर्सिटी को इसी तरीके से रिजल्ट जारी करना चाहिए। तो आप आसानी से अपना रोल नंबर देख लीजिए और अच्छे से रोल नंबर फिलअप करिए यहाँ पर एक्यूरेट, और सबमिट करिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये चीज़ है। तो अभी काफ़ी स्टूडेंट सीपी नेट का ये समझिए कि CPP NET अगर मान लीजिए इसमें आप अच्छा स्कोर नहीं किए हैं, तो आपके पास अभी गोल्डन चांस है। अभी 15 मतलब 4 दिन है, आप CP NET सेफाई टावा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे काफ़ी ये समझिए पैरा के कोर्स हैं, नर्सिंग के और फार्मेसी में ओनली B Pharma है, बैचलर डिग्री है, डिप्लोमा डिग्री नहीं है। तो ये समझिए यहाँ से आप नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी कोर्स के लिए आप ओनली एक फार्म डाल के गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। यहाँ पे एक ही कॉलेज है, यहीं पे एडमिशन होता है। इससे रिलेटेड सभी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगी CP NET से रिलेटेड। तो अभी तो ये ABMU का आप एडमिट कार्ड निकालिए और उसमें रोल नंबर निकालिए और अपना डाउनलोड करके देखिए कितना स्कोर किए हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं इस समय CP NET के लिए। थैंक यू।